की सीट शिवसेना को दी जाएंगी? देखिए, अभी ये महायुति में सीटों का बंटवारों को लेके कई दिनों से चर्चा चल रही है, वो अंतिम पड़ाव पे आ चुकी है। उसमें संभाजीनगर की भी एक सीट जो अहम मानी जाती है, वो सीट शिवसेना ने बहुत आग्रह कर दिया, क्योंकि बारह सीट लड़ाई है, यहाँ हमारा उम्मीदवार चुन के आया, इसलिए उनको रिक्वेस्ट की है कि ये सीट आपको संभाजीनगर की सीट ये शिवसेना को छोड़ना चाहिए, और वो 99% उसको एग्री हुए, ऐसा मेरी कहना की वजह मेरी सोच है, क्योंकि ये परंपरागत सीट है इसलिए शिवसेना को छोड़ी जा रही है, इसलिए उन्होंने भी ज्यादा इसमें फोर्स किए नहीं, वो भी ये सीट छोड़ने के लिए राजी हो जाएंगे, ऐसे मेरा मानना है। महाराष्ट्र में ऐसी कुछ सीट है जो जहाँ पर भाजपा दावा कर रही है? नहीं, एक दो सीट ऐसी है कि जहाँ भाजपा दावा कर रही है, एक दो सीट ऐसी है जहाँ शिवसेना दावा कर रही है, ये सब दावे प्रति दावे जो होते हैं इलेक्शन के दौर में होते रहते हैं, वहाँ का जनरली वहाँ का जो कार्यकर्ता रहता है जिसको लगता है कि ये सीट अपने लड़ाना चाहिए, वो नेताओं के तरफ जब मांग करता है तो उसकी मांग का सम्मान करते हुए वो सीट उनको कैसे छोड़े जाए इसके लिए नेता भी प्रयत्न करते हैं, उसी तरीके से ये सब बंटवारे के टाइम होते रहता है, लेकिन आखिर पार्टी बल्कि जो निर्णय लेना है वो पार्टी के वरिष्ठ नेता लेते हैं और उसको सब लोग जो कार्यकर्ता है उसको एग्री करते हैं। राहुल गांधी का दौरा हो रहा है, अब ये दौरे में कुछ आपको कुछ नुकसान हो सकता है? नहीं, इस दौरे का नुकसान कुछ नहीं है, ये भारत जोड़ो क्या होता है, भारत उठा कहाँ है, भारत जोड़ो का मतलब ही हमें समझ में नहीं आता, लेकिन उनकी वो रैली चल रही है, पार्टी का वो प्रोग्राम है, उन्होंने करना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है पार्टी के कार्यकर्ता से ज्यादा खुश उभरा के नेते लोग हैं, उनकी अगुवाई में वो अभी मुंबई में रेड कार्पेट डालने वाले, वेलकम टू मुंबई ये सब बैनर लगाने वाले, जो बाला साहब अगर ऊपर से देखते होंगे तो वो अगर उनका बस चले तो इनको जूते मारने में भी कम करते नहीं थे, लेकिन चलता है, सत्ता का यूज कैसा करना, पार्टी का यूज कैसा करना है वो उनके वरिष्ठ नेता डिसाइड करते हैं, लेकिन अब जनता इन ऐसे जो गद्दारों को जो बाला साहब के विचार के खिलाफ गए उनको छोड़ेंगे नहीं, वाला नहीं। एमआईएम की यहाँ ही नहीं महाराष्ट्र में कहीं भी एमआईएम का कुछ भी वजूद रहा नहीं है, ना यहाँ की सीट चुन के आएगी, उनकी तरफ से वो अपना तरीके से वो प्रचार करेंगे, आक्रामक प्रचार करेंगे, ओएसी आएंगे, वो दो चार गालियां देंगे, ये उनकी स्टाइल है, ये स्टाइल को अब लोग भूलने वाले नहीं है।